वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, आज 11 अप्रैल वर्ल्ड पार्किंसंस डे है और इसीलिए आज मैं आपको अवगत कराऊंगा कि पार्किंसंस डिसीज क्या होती है और हमें कैसे केयरफुल होना चाहिए। फ्रेंड्स, पार्किंसन डिसीज का सबसे पहले पता जेम्स पार्किंसंस ने लगाया था, इसी वजह से उनके बर्थडे को वर्ल्ड पार्किंसंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पार्किंसंस डिसीज मोस्टली जब होती है जब व्यक्ति अपनी एज के 60 में पहुंच जाता है, यानी जब वह 60 साल का हो जाता है तब इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फ्रेंड्स, व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी तो अपनी वृद्धावस्था में जाता है, इसलिए हमें ये जानना चाहिए और जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके प्रति हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए कि अगर कहीं उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो हम उनका ख्याल रख सकें। पार्किंसंस डिसीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक लॉन्ग टर्म डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसमें डोपामाइन की मात्रा बहुत कम रिलीज होने लगती है, जिसकी वजह से व्यक्ति चलने में, बोलने में और कई सारे बॉडीली मूवमेंट्स करने में असमर्थ रहता है। अगर ये डिसीज लॉन्ग टर्म तक बनी रहे तो उसके बाद व्यक्ति में बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। हम सभी यंग लोगों का ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी थेरेपीज होती हैं जिनके माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अपने परिवार में, अपने घर में जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं, जो भी ओल्ड पर्सन्स होते हैं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप केवल उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, तब भी उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उनकी केयर की जा रही है। अगर उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन में सब कुछ किया है, उन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए ही किया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हमें भी उनकी देखभाल करनी चाहिए? केयर योर ओल्ड पेरेंट्स एंड कीप योर फैमिली हैप्पी। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर अदर फ्रेंड्स एंड अदर फैमिलीज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।